हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वी आर हेयर डिस्कसिंग अबाउट क्लास 10th इकोनॉमिक सेक्शन। टुडे वी विल रीड अबाउट अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। देखिए, हमारा जो चैप्टर है ये आपका इंडियन सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से रिलेटेड है, जिसमें हमने पढ़ा कि हमारे जो इकोनॉमी सेक्टर हैं वो कितने हैं और किस सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम तीनों सेक्टर को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, और इसके अलावा हमने पढ़ा कि कौन से हिस्टोरिकल चेंजेस हैं जो हमारे सेक्टर्स में हुए हैं। इन सब के अलावा हमने जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो सेक्टर है उनके जो एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज है उस चीज़ को भी हमने डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ वर्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट, कि अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है। देखिए, एक तो होता है कि आप कोई काम करते हो और आपको उसकी पेमेंट नहीं मिलती, यानी कि जिसको हिंदी में आप बोलते हो बेगार, कि बिना वेतन के जो काम किसी से ज़बरदस्ती करवाया जाता है। एक होता है कि कोई काम हम कर रहे हैं, हमें 5 लोगों की ज़रूरत है लेकिन वहाँ पे 7 लोग लगे हुए हैं, तो देखने में तो ऐसा लगता है कि 7 लोगों को रोज़गार दिया गया है लेकिन वो 7 लोग पूरी तरह से रोज़गार उनको नहीं मिला हुआ। जैसे कि देखिए, किसी खेत में, जैसे अगर हम गांव की बात करते हैं, जो लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, एक खेत में 10 लोग काम करें जबकि वहां पर 5 से भी काम चल सकता है, तो जो 5 लोग जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं वो आपके अंडर एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। देखिए, ईच वन इज़ डूइंग सम वर्क बट नो वन इज़ फुल्ली एम्प्लॉयड, कि ईच वन इज़ डूइंग सेम वर्क, सॉरी, कि सभी लोग जो एक समान काम कर रहे हैं, बट नो वन इज़ फुल्ली एम्प्लॉयड, लेकिन वो सारे पूरी तरीके से उनको रोज़गार नहीं मिला है। कि देखिए, आप जब 3 लोगों से काम चल रहा है और उसी काम को 5 लोग कर रहे हैं, तो जो 2 लोग काम कर रहे हैं वो अगर कहीं और जाके काम करते तो एक्स्ट्रा इनकम का सोर्सेज बनता है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि जो 2 लोग एक्स्ट्रा उसी फील्ड वर्क में लगे हुए हैं जहाँ पर 3 लोगों की ज़रूरत है, तो वो देखने में लगेगा कि कोई देख रहा है कि हाँ भैया, 5 लोग काम कर रहे हैं तो 5 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जो एक्स्ट्रा है, अगर हम अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है इस स्थिति को इम्प्रूव करना होगा। वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, या फिर जो ऐसी स्थिति है कि हमें संभावना ऐसी चीज़ों की है कि भाई हमें लगता है कि यहाँ पे 2 लोग सही तरीके से काम कर सकते हैं लेकिन हम 3 को अपॉइंट कर लेते हैं, तो एक इंसान जो उसका पोटेंशियल है काम करने का वो अगर कहीं और जाके करे तो उसका जो फीडबैक होगा वो शायद पहले वाली जगह पे वो काम करे उससे ज़्यादा बेटर होगा। तो इस तरीके से जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे 2 प्रकार की सिचुएशन हो सकती हैं। एक तो हमें उनकी ज़रूरत नहीं है वो फिर भी काम कर रहे हैं, दूसरा कि वो अपना टाइम पास करने के लिए, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है लेकिन अपना जो समय है उसको बिताने के लिए वो काम कर रहे हैं। इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो आपका सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, जो उसके अंदर हम ले सकते हैं कि गांव के अंदर जो लोग हैं वो अपने समय को व्यतीत करने के लिए एक के जगह पे 2 लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं और उसमें उतना ही टाइम लगाते हैं जितना एक इंसान के द्वारा लगाया जा सकता है। तो इस तरीके की जो सिचुएशन है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट में काउंट होती हैं। देखिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड है ये आप 9th क्लास में अच्छे से पढ़ के आते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कि कोई भी इंसान जिसके पास काम नहीं है, काम नहीं है मतलब कैसा काम, जिसके बदले में हमें कोई पेमेंट नहीं मिलती या पैसा नहीं मिलता, उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अब जैसे देखिए कि आप पढ़े लिखे हैं और लेकिन फिर भी आपके पास जॉब नहीं है, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट जो कंडीशन है उसकी कैटेगरी में आते हैं। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसके 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और सेकेंड होता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, खुली बेरोजगारी, यानी कि इसमें किस तरह के लोग आएंगे जो ओपन एम्प्लॉयमेंट होगा, कि ऐसे लोग जो काम करने की इच्छा भी रखते हैं और उनके अंदर योग्यता भी है लेकिन उनको काम नहीं मिलता, वो आएंगे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। दूसरा है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, कि ऐसे लोग जो दिखाई तो ऐसे देते हैं कि इनके पास काम है लेकिन वो पूरी तरीके से रोज़गार उनका नहीं होता है, जैसे फील्ड वर्क के अंदर होता है कि एक किसान लगभग 1 साल में 9 महीने खेत के अंदर काम करता है और 3 महीने वो बिल्कुल फ्री होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो पूरा साल अपने काम में, खेतीबाड़ी के काम में बिजी होता है लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो वो जो चीज़ है वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में आएगी।
जो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है इसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का नाम भी दे सकते हैं। हिडन मतलब छुपी हुई बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी मतलब कि काम करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन इनकम नहीं है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, हमने पढ़ा कि अंडर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कि ऐसी स्थिति जहाँ पर कम लोगों में भी काम आसानी से किया जा सकता है लेकिन फिर भी वहाँ पर ज़्यादा लोग काम करते हैं। और दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि कोई भी इंसान है उसका जो पोटेंशियल है, कि हमारी जो संभावनाएं हैं काम की वो कुछ डिफरेंस है लेकिन हम जो काम करते हैं वो उससे पूरी तरीके से अलग हो। तो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक ओपन होता है एक डिसगाइज। ओपन वो होता है जहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं, काम भी करना चाहते हैं लेकिन उनकी योग्यता के हिसाब से उनको काम नहीं मिल पाता है। दूसरा है आपका डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, कि लोग काम करते हुए दिखाई दें लेकिन उनको पैसे भी नहीं मिले, इसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का नाम भी दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कि हम किस तरीके से रोजगार के अवसर बना सकते हैं अपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर, या हम अकेले भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, कोई बिजनेस खड़ा करके, कोई फैक्ट्री बना करके किस तरीके से हम लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। तो देखिए, आपकी जो बुक है उसमें आप दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक लक्ष्मी के नाम से है, एक है सुखराम के नाम से। जो लक्ष्मी है वो क्या है, एक छोटी सी किसान है जिसके पास ज़मीन का बहुत छोटा सा टुकड़ा है लेकिन उसके पास अच्छे संसाधन नहीं है। अगर देखिए सरकार उसको सहायता दे, उसको अच्छे बीज उपलब्ध करवा दे, उसको कम ब्याज पर उसको जो लोन है वो हमारी सरकार दे दे, समय समय पर हमारी सरकार जैसे सिंचाई के साधनों को बढ़ावा दे, अच्छी किस्म के बीज लोगों को बंटवाए फ्री में जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो जो ये किसान है उनकी स्थिति को सुधारा जा सकता है। तो हमारी जो सरकार है वो किस तरीके से रोजगार को बढ़ावा देगी, देखिए विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट लाइक लक्ष्मी। लक्ष्मी के नाम का नाम मैंने इसलिए लिखा है कि आपकी बुक में मेंशन किया गया है कि लक्ष्मी क्या है, छोटी सी किसान है और उसको किस तरीके से सुधार की ज़रूरत है कि वो अपना आर्थिक स्तर है उसको बढ़ा पाए। इन एग्रीकल्चर सेक्टर, कि सबसे पहले हमारी जो सरकार है वो क्या करे कि जो छोटे छोटे किसान हैं जिनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड कम्प्लीटली एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, हमारी सरकार उन लोगों के लिए काम करे जो प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, फसल उत्पादन का काम करते हैं, सब्जी उगाने का काम करते हैं, इस तरह के जो काम है हमारी सरकार उनको बढ़ावा दे। इरिगेशन यानी कि सिंचाई के साधन, कि हमारी जो सरकार है जैसे नहरों के माध्यम से हम खेतों में सिंचाई कर सकते हैं, तो जो नहर है उनका निर्माण अच्छे से करवाया जाए, पानी जो है उनके अंदर समय समय पर टाइम से छोड़ा जाए, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं अगर सरकार इन पर थोड़ा सा ध्यान करेगी तो जो लक्ष्मी जैसे जो किसान हैं उनकी स्थिति है वो कैसी स्थिति, आर्थिक स्थिति है वो बेहतर होगी। ट्रांसपोर्ट, यातायात के अच्छे साधन होने चाहिए, गोडाउन की, हमारे जो जैसे किसान भाई हैं वो जो खेती बाड़ी का काम करते हैं अपनी फसलों को अपनी सब्जियों को लेकर के शहर जाना पड़ता है, तो शहर की बजाय गांव के अंदर गोडाउन्स बनाए जाए ताकि यातायात का साधन जो है वो उसकी जो उपलब्धता है उस पर जो खर्च आता है वो कम हो सके। फिक्स रीजनेबल रेट, कि हमारी सरकार है और जो फसल उत्पादन होता है उनके जो रेट हैं वो हायर होने चाहिए और फिक्स होने चाहिए, कि जैसे किसी को जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो हम देखते हैं कि जो मंडी के भाव होते हैं वो रोज़ाना के हिसाब से तय होते हैं कि आज किसी भी चीज़ का भाव है वो इतने रुपए केजी है या इतने रुपए ग्राम है, कोई भी चीज़ है आपकी, तो हमारी सरकार उन सब चीज़ों का जो स्तर है वो निश्चित करे। प्रोमोट इंडस्ट्रीज लोकल वर्ड ये इसीलिए लिखा है कि ग्रामीण स्तर पर, कि गांव के अंदर जो छोटे छोटे लघु उद्योग जिनको आप बोलते हो, या एक वर्ड आप यूज़ करते हैं हिंदी में हथकरघा, कि हाथ से जो सामान बनाया जाता है, जैसे आप देखते हो गांव के अंदर जो महिलाएं हैं वो दरी बनाने का काम करती हैं, या फिर जैसे ये आपके जो पायदान होते हैं वो बनाए जाते हैं, या जैसे कपड़े पर जो कढ़ाई का काम किया जाता है, तो ऐसे छोटे छोटे, या जूट से जो सामान बनाया जाता है, तो इस तरह के जो काम है जो गाँव में जो महिलाएँ हैं, या हम कहें कोई भी ऐसा इंसान जो फ्री है जिसके पास किसी भी तरह का काम नहीं हो इस काम को आसानी से कर सकता है, तो उन सब कामों को हमारी सरकार है बढ़ावा दें तो लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो ओबियसली अच्छी हो जाएगी। कोल्ड स्टोरेज सिस्टम इन रूरल, कोल्ड स्टोरेज क्या है, जैसे देखिए आप कोई ऑफ सीजन है और हम फ्रूट लेने जाते हैं तो वो आपको गोडाउन से मिल सकते हैं, कि जैसे देखिए अभी
अगर हम बात करते हैं तो सेब का सीजन नहीं है, सेब सर्दी में आता है, लेकिन हमें वो गर्मी में भी आसानी से दुकानों पर मिल सकता है। कैसे? क्योंकि उनको कोल्ड स्टोर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, और वो जो स्टोर होते हैं वो आपके बड़े बड़े शहरों में बनाए जाते हैं। अगर ये जो कोल्ड स्टोरेज हैं इनको अगर हम गाँव में बनाएँ तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार मिलने के साथ साथ जो चीज़ें हैं वो आसानी से लोकल स्तर पर, यानी कि हम कहेंगे सामान्य स्तर पर, लोगों को चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। रिमूव चाइल्ड लेबर, कि जो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं वो बंद किया जाए, उनको एजुकेशन से जोड़ा जाए, उनकी हेल्थ की तरफ ध्यान दिया जाए। फोकस गवर्नमेंट एजुकेशन एंड हेल्थ, कि हमारी सरकार है वो दो चीज़ों पर ध्यान दे, एक तो एजुकेशन जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या हैं, और एक हेल्थ सेक्टर में किस तरीके से काम हो रहा है। अगर हम लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है, एजुकेशन अच्छी है, तो वो कैसे होंगे, स्किल्ड होंगे, और स्किल्ड होंगे तो कोई ना कोई काम ज़रूर करेंगे, और वो काम करेंगे तो उनको पेमेंट मिलेगी, और पेमेंट मिलेगी तो उनका जो आर्थिक स्तर है वो अपने आप बेहतर होता चला जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हम बात करेंगे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्लास 10th। देखिए, आपका जो चैप्टर सेकंड है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हमने सेक्टर्स के बारे में पढ़ा कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके कितने सेक्टर्स हैं। 3 सेक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। फिर हमने उनका जो तुलनात्मक अध्ययन है, यानी कि तीनों को आपस में कंपेयर किया, GDP के बारे में हमने पढ़ा, और जो कल हमारी क्लास थी उसमें हमने कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में पढ़ा, और जो हमारे सरकार है वो रोज़गार के लिए क्या कर सकती है, इस सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मनरेगा के बारे में, और दूसरा हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में। तो देखिए, मनरेगा क्या है? एक प्लान है, एक योजना है जो भारतीय सरकार के द्वारा चलाई गई। देखिए, पहले मनरेगा का को एक्सपेंड करते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, कि जो महात्मा गांधी के नाम पर एक राष्ट्रीय स्तर पर गांव के लोगों को रोज़गार देने के लिए एक स्कीम चलाई गई 2005 में। आप इसको कहीं कहीं देखेंगे तो आपको 2006 भी मिल जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो पहले था, पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था, और बाद में इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया तो इसको मनरेगा के नाम से जाना जाने लगा। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 और 2006, कि महात्मा गांधी जी के नाम पर गांव के अंदर ऐसे लोग जो गरीब हैं, जिनको रोज़गार की आवश्यकता है, उनके लिए हमारी जो मोदी सरकार है उसने ये स्कीम चलाई। इसके तहत देखिए कि जो मनरेगा स्कीम है, इसके तहत कौन से जो काम है वो होंगे। तो सबसे पहली चीज़, 100 डेज एम्प्लॉयमेंट, कि जो मनरेगा है इसके तहत जो लोग काम करते हैं, जैसे जो मजदूर लोग हैं जो काम करते हैं, उनको 100 दिन का रोज़गार पक्का, यानी कि देखिए एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, तो 365 में से 100 दिन का रोज़गार गरीब लोगों को मनरेगा के तहत दिया जाएगा। अगर देखिए आप गांव के अंदर जो सरपंच होता है, और आपके गांव के अंदर जो बिल्कुल गरीब लोग होते हैं, जो BPL आप उनको बोल सकते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, कि गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं, उनको आपके गांव के सरपंच के द्वारा 100 दिन का काम आपके गांव के अंदर ही दिया जाता है। अगर देखिए गांव के अंदर कोई काम नहीं है तो गांव के बाहर भी उनके काम की व्यवस्था की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, फीमेल प्रायोरिटी, कि जो मनरेगा है, कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, इसमें जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी का मतलब है कि जो पहला स्थान है वो महिलाओं को दिया गया है, कि जो महिलाएं हैं वो गांव के अंदर ही रह के काम करें, कि उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। कि जो जैसे देखिए पुरुष हैं, पुरुष बाहर जाके काम कर सकते हैं, वो लेट नाइट तक वापस आ सकते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ने ये कहा है कि जो महिलाएं हैं और उनको जो काम की व्यवस्था की जाएगी वो 0 से 5, यानी कि 5 किलोमीटर के अंदर अंदर काम की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर 5 किलोमीटर के अंदर उनके लायक कोई काम नहीं है तो 20 किलोमीटर तक भी उनके काम की व्यवस्था की जा सकती है। और जो ये 20 किलोमीटर, यानी कि 15 किलोमीटर का जो एक्स्ट्रा जो
समय आने जाने में लगेगा या उनका किराया लगेगा, इस तरह की जो चीज़ है, तो उसका जो खर्चा है वो भी उनको उनकी मजदूरी में ऐड करके दिया जाएगा, ये मनरेगा के अंदर शामिल किया गया है। अब देखिए, जैसे राइट टू वर्क है, जैसे भारत का संविधान तो ये अधिकार हमें नहीं देता है, लेकिन जो अमेरिका का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, वो हर अमेरिकी इंसान को काम का अधिकार देता है कि वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी लोगों को जॉब दी जाए उनके एबिलिटी के हिसाब से। तो ऐसे ही हम मान लेते हैं कि मनरेगा एक ऐसी स्कीम है जो गरीब लोगों के लिए एक रोजगार उनका अधिकार इस तरह का से काम करती है। और देखिए 625, 625 डिस्ट्रिक्ट की, 625 जो लोग हैं, नहीं सॉरी 625 जो जिले हैं, इनमें जो मनरेगा है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब तो जो ये मनरेगा की स्कीम है डे बाय डे रोज रोज बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही का मतलब क्या है कि हर जिले में, हर स्तर पर, हर राज्य के अंदर हमारी सरकार का प्रयास है कि सब जगह पर मनरेगा की स्कीम को लगाया जाए ताकि जो गरीब लोग हैं वो आराम से अपना खाना पीना या उनका जो लाइफ स्टाइल है वो सही तरीके से चलता रहे। तो मनरेगा के बारे में हमने जाना कि मनरेगा क्या है। मनरेगा एक ऐसी स्कीम है जो गरीब लोगों को रोजगार देती है, जिसके जो आप इसकी जो फैक्टर्स हैं या इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है कि एक तो इसके अंदर 100 दिन का रोजगार पक्का, इसमें जो पहली जो प्रायोरिटी इज गिवन टू द फीमेल कैंडिडेट, और इसमें जो काम मिलेगा 0 से 5 यानी कि 5 किलोमीटर के अंदर। दूसरी चीज जन्म राइट टू वर्क भी और रात को भी फॉर पुअर पीपल। एक मिनट देखिए मनरेगा के बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज मतलब जो व्यवस्थित है, अनऑर्गेनाइज जिसकी कोई व्यवस्था नहीं है, कभी किसी तरीके से काम हो रहा है, कभी किसी तरीके से काम हो रहा है, जहाँ पर जो रूल रेगुलेशन है उनको कोई मान्यता ही नहीं दी गई है। तो देखिए जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं वो क्या होते हैं कि जो व्यवस्थित जो विभाग हैं कि जहाँ पर सरकार के नियमों के तहत ही काम किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट कि देखिए कोई भी काम है जो प्राइवेट स्तर पर हो रहा है वो गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है। कैसे, जैसे देखिए आपके प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, इस तरीके से जो चीज़ें हैं भले ही वो प्राइवेट हैं लेकिन सरकार जो हमारी है उस सरकार के कुछ नियम हैं जो प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी मानने पड़ते हैं। जैसे उनका रजिस्ट्रेशन करवाना, कितने लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको किस लेवल की सैलरी दी जाती है, कैसी सुविधाएं वो वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स को दे रहे हैं, ये इन सब की इंफॉर्मेशन है वो हमें सरकार सरकार के जिस भी विभाग से संबंधित हम काम करते हैं वहाँ पे हमें जमा करानी होती है। नेक्स्ट है फिक्स रूल एंड रेगुलेशंस कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं यहाँ पर जो नियम हैं वो फिक्स होंगे, जैसे गवर्नमेंट में होते हैं। जैसे देखिए स्कूल हैं वो चाहे प्राइवेट हों या आपके सरकारी हैं, दोनों का ही जो चीज़ें हैं वो फिक्स होती हैं। जैसे टाइमिंग लगा लीजिए आप कि 8 बजे सुबह स्कूल लगता है, 2 बजे छुट्टी हो जाएगी, इस तरीके से कि सरकारी स्कूलों के पेपर भी 1 साल में होते हैं और जैसे प्राइवेट स्कूल है उसका कंप्लीट कोर्स भी 1 साल के अंदर ही पूरा कराना होता है। तो इस तरीके के जो रूल्स हैं वो फिक्स होते हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट मतलब न्यूनतम जो सैलरी है कि हमारी सरकार जैसे डिसाइड करती है कि जो काम करने वाले वर्कर हैं उनको कौन से ग्रेड की सैलरी दी जाए, ग्रेड 1 की, ग्रेड 2 की, ग्रेड 3 की, इस तरीके से। जैसे जो टीचर हैं वो कौन से स्केल में आते हैं, जो ऑफिसर्स हैं वो कौन से स्केल में आते हैं, जो 4th क्लास के वर्कर हैं उनको किस तरीके से सैलरी दी जाएगी। तो ऐसे ही जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पर भी उनको इन सब नियमों का पालन करना होता है कि न्यूनतम मजदूरी या न्यूनतम जो सैलरी है वो निर्धारित करनी होती है। नेक्स्ट है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कि जैसे देखिए चाहे हम दुकान खोल रहे हैं या हम कोई शॉपिंग मॉल खोल रहे हैं, कोई भी बड़ी या छोटी चीज़ जिसको भी हम खोलते हैं उसके कुछ नियम होते हैं। जैसे आप देखिए कोई शिक्षण संस्थान खोल रहे हैं, कोई स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं, तो आपको उससे सबसे पहले एक उसकी NOC लेनी होगी यानी कि नॉन ऑब्जर्वेशन सर्टिफिकेट कि किसी भी इंसान को इस चीज़ से आपत्ति नहीं है। तो सरकार अगर उसको वेरीफाई करके स्टैंप लगा के हमें दे देती है तो हम उस चीज़ को का कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो रूल रेगुलेशन हैं वो पहले से ही तय होते हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूटी एक्ट की जो सैलरी सिस्टम है वो मैंने आपको बता दिया, वो मिनिमम वेजेस एक्ट में ही हम इसको काउंट कर लेते हैं कि जो सैलरी है वो किस तरीके से दी जाए कि जो टीचर्स हैं, जैसे प्राइमरी
जो टीचर्स होते हैं, लेवल फर्स्ट के जो टीचर्स हैं उनको कितनी सैलरी मिलेगी, फिर लेवल सेकंड के टीचर हैं उनको कितनी सैलरी मिलेगी, फिर हमारे जैसे प्रोफेसर्स होते हैं उनको उनको क्या सैलरी मिलेगी, तो वो सब क्या है, फिक्स है, जो सरकार ने बनाया है वो सभी चीज़ें आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में लागू होती हैं। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए, कांता का एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है कि कांता एक वर्कर है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। तो जब कांता ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है तो उसको क्या क्या फायदे हैं और वहाँ के रूल्स क्या हैं जहाँ पर कांता काम करती है। देखिए, फिक्स जॉब टाइम, या हम कह सकते हैं यहाँ पर आप कि फिक्स वर्किंग आवर्स, कि जहाँ पर कांता काम करती है वहाँ काम के घंटे निश्चित हैं कि कितने घंटे काम करना है, कि हमें 8 घंटे काम करना है। फिक्स सैलरी प्लस PF, कि सैलरी फिक्स है, ऐसा नहीं है कि हमने 1,000 रुपये सैलरी बोली है और हम लास्ट में जाके उसको 800 रुपये दे रहे हैं, कि हमने पहले से ही सैलरी फिक्स कर दी है और उसके साथ में एक्स्ट्रा हम उसको जो प्रोविडेंट फंड है वो भी देते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज, कि कोई भी इंसान जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, जैसे कंपनी है, स्कूल है, कॉलेज है, फैक्ट्रीज हैं, या बड़ी बड़ी जो वर्कशॉप होती हैं, लैब्स होती हैं, वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं। तो वहाँ पर जो काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर हैं, उनकी जो उनका जो स्वास्थ्य है उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना भी ऑर्गेनाइज सेक्टर की जिम्मेदारी है। कैसे, कि देखिए, उनको अच्छा वातावरण उपलब्ध कराएं, कि खुले और हवादार कमरे हो, रोशनी की उचित व्यवस्था हो, पीने का पानी हो, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सभी वहाँ पर होनी चाहिए। पेड हॉलीडे, कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक फ़ायदा है हमें कि हमें पेड हॉलीडे, यानी कि हम छुट्टी भी मिलेगी और हमें उस दिन की सैलरी भी मिलेगी। जबकि देखिए, आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पढ़ेंगे तो वो इसके ठीक बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ पर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पेड हॉलीडे नहीं होता है। जैसे देखिए, जो मजदूर लोग होते हैं जो खेतों में काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम करते हैं, अगर वो छुट्टी करते हैं तो उनकी सैलरी काट ली जाती है। जैसे अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं तो जैसे आपके टीचर हैं, संडे की छुट्टी होती है लेकिन उनको संडे की सैलरी दी जाती है, तो संडे क्या है, पेड हॉलीडे है। और ये किसका फीचर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का फीचर है। नेक्स्ट देखिए, एग्रीमेंट प्रूफ। एग्रीमेंट प्रूफ मतलब कि हम कहीं पर भी काम करते हैं उससे पहले हम जहां पर भी काम कर रहे हैं वहाँ के डायरेक्टर या मैनेजमेंट से हम क्या लेते हैं, एक एग्रीमेंट लेते हैं कि हम 1 साल तक काम करेंगे, हम 6 महीने तक काम करेंगे, इस तरीके से हमारा एग्रीमेंट होता है। फिर वो हमें बीच में काम से नहीं निकाल सकते। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को मिलेंगी। गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, वो देखिए, ये जो हेल्थ फैसिलिटीज आपने पढ़ा है वो इसके अंदर ही आ जाएगा। गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, कि काम करने के लिए जो वातावरण है वो अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो जैसे भाई गर्मी का मौसम है और फैन है ही नहीं, तो जो कर्मचारी हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो उनको मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सभी उनको दी जाएं। नेक्स्ट है आपका जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मतलब जो एग्रीमेंट है वही जॉब सिक्योरिटी है। कि जॉब सिक्योरिटी क्या है, कि हमने 1 साल का एग्रीमेंट कर दिया तो वो आपको 1 साल से पहले आपको वहाँ से डिसमिस नहीं करेंगे। तो वो क्या है कि आपकी 1 साल तक की जो जॉब है उसकी सुरक्षा की गारंटी है, कि आपके पास उसके क्या हैं, दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं आपकी मैनेजमेंट के साइन किए हुए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उसके बहुत सारे फायदे हैं, कि आपको एक निश्चित समय तक काम करना होता है, आपकी सैलरी है वो भी फिक्स होती है, आपको एनवायरमेंट है वो भी अच्छा मिलता है, आपको पेड हॉलीडेज भी मिलती हैं और आपकी जॉब सिक्योरिटी भी होती है। तो ये सभी चीज़ें ऑर्गेनाइज सेक्टर में होती हैं। कल हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।